नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड की खास पेशकश खुलासा। आज मैं आपके सामने एडीआर की रिपोर्ट में सामने आए ऐसे आंकड़ों को लेकर खुलासा करने वाली हूं, जिसे देखकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे तो उत्तराखंड में जो हाल चल रहे हैं उसने भ्रष्टाचारियों की रातों की नींद उड़ा दी है, और वैसे उड़नी भी चाहिए क्योंकि इनके कर्मकांड ही कुछ ऐसे हैं। अब हाल फिलहाल की बात करें तो राज्य में भर्ती घोटाले को लेकर हाकम सिंह जैसे चटक माफियाओं का एसटीएफ बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। तभी तो अभी तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन युवाओं की मांग है कि एक बार सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, जिससे बड़े मगरमच्छ जाल में फंसा सके। लेकिन पता नहीं क्यों सीबीआई जांच की मांग सुनते ही नेताओं ने टीआरपी राजा बनना छोड़ दिया। मतलब ये कि सीबीआई जांच को लेकर कोई भी नेता मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहा है। शायद अब मुझे इन्हें कहावत बोल ही देनी चाहिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका होना। क्यों, सही कहा ना? लेकिन आज मेरे हाथ जो लिस्ट लगी है उसे ये तो साफ हो जाएगा कि नेता क्यों सीबीआई जांच को लेकर थर थर कांप रहे हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आज बना विधायक कल करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है। नहीं सुनी तो वैसे ये कोई कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। आज इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट होने जा रही है कि किस विधायक या मंत्री के पास अपनी आय से अधिक संपत्ति है, और जब से ये घोटाले शुरू हुए हैं तो इनकी संपत्ति में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ। पहले नंबर पर आते हैं आपके प्रिय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, जिनकी संपत्ति में 306% का इजाफा हुआ है। और गौर कीजिएगा कि बीजेपी विधायक चुफाल, जिनकी संपत्ति में 234% का इजाफा हुआ। फिर आते हैं प्रसिद्ध बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा, जिनकी संपत्ति में 216% का इजाफा हुआ। फिर आते हैं बीजेपी विधायक विनोद कंडारी, 205% इजाफे के साथ। फिर आते हैं मंत्री गणेश जोशी, 197 इजाफे के साथ। इसके बाद आते हैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, 196% के इजाफे के साथ। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, 177% के इजाफे के साथ। अगला नाम है मंत्री चंदन रामदास का, जिनकी संपत्ति में 151% का इजाफा हुआ। फिर आते हैं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का, 141% के साथ। फिर बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट, 140%। तो वहीं धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली, 148% के साथ। लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि नाम लेते लेते रात हो जाएगी। लेकिन इनके अलावा और भी ऐसे नेता हैं जिनमें बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा, विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूड़ी, मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत, 117% से 27% तक की संपत्ति इजाफे के साथ। ऐसे ही इन विधायक मंत्रियों के पास लग्जरी गाड़ियां नहीं आ जाती, और ऐसे ही ये करोड़पति नहीं बन जाते। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से युवा लगातार भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग करने की बात कह रहे हैं, ऐसे में इन नेताओं की भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।